सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसके कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आज का पंचांग 10 मार्च 2021 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 2:40 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:36 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। मेष राशि 10 मार्च 2021 दिन बुधवार, आज कोई अप्रत्याशित और बाकी दबाव वाला काम मिलेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप आसानी से इसे पूरा कर लेंगी और आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाए या बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम सौंप दे। स्थिति चाहे जो हो आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए कोई उपलब्धि ला रहा है, उन्हें सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करना है। कुछ अज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य की पठन पाठन में भी समय व्यतीत होगा। अटके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। काफी दिनों से अटकी हुई बातों में प्रगति नजर आने की वजह से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। काम से संबंधित तकलीफ कम होने की वजह से काम के प्रति उत्साह फिर से महसूस होगा। पार्टनर और आपको ठीक से संवाद बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। पेट से संबंधित तकलीफ को कम करने की कोशिश करें। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से धन संबंधित विवाद हो सकता है। किसी वरिष्ठ निकट परिचित संबंधित चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य की धूप छांव रह सकती है। सावधानियां, किसी भी प्रकार की पेमेंट के लेन देन में सावधानी बरतें और न ही दूसरे की बातों में आए। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि अथवा संगति आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे को अहमियत देंगे, जिससे संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहते हैं और इसीलिए यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संबंध बहुत आयामी होता है। आपको गोल चक्करों में घूमना है जो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भी भरी है। आपको किसी ऐसे के करीब आने का मौका मिलेगा जिसके आप लंबे समय से प्रशंसक हैं। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। अपने काम के प्रति और अधिक मनन व चिंतन करने से आपकी कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार आएगा। बदलाव संबंधित भी कुछ योजनाएं बनेगी। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा।
बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा ना होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप अब शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। पैरों में दर्द व सूजन की समस्या परेशान भी कर सकती है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।